इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही सोनीपत से शराब घोटाले का यह मामला सामने आया था और इसी के साथ मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है और एसआईटी की जो अवधि है वो 2 महीने बढ़ा दी गई है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनीपत में शराब घोटाला हुआ था, इस शराब घोटाले का ये मामला है और इसी के साथ मामले में एसआईटी की जांच गठित की गई थी, एसआईटी गठित की गई थी जिसकी अवधि है जो कि 2 महीने बढ़ा दी गई है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सोनीपत में देखिए शराब घोटाला हुआ था और शराब घोटाले के मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का गठन करते हुए कहा गया था कि शराब के घोटाले की गहनता से जांच की जाएगी और इसी के साथ अब इस मामले में नया फेर आया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है जिसकी अवधि 2 महीने बढ़ा दी गई है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश गुप्ता फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, खबर मिल रही है कि जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी जांच का जो समय है वो बढ़ा दिया गया, क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, जहां एसआईटी का समय बढ़ा दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि सुभाष यादव जो है इसमें रिटायर हुए हैं और इनकी जगह मोहम्मद अकील को शामिल किया गया और एसआईटी ने जो काम करना शुरू किया, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि ये जो घोटाला है उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है, जितना सोचकर चले थे उससे बहुत बड़ा है और इसी के चलते जो टीसी गुप्ता है एसआईटी के अध्यक्ष, उन्होंने समय मांगा है 2 महीने का। सरकार ने उसे जो अपनी अनुमति प्रदान करती है। टीसी गुप्ता ने एक और बड़ी बात जो है अपने जो गृह मंत्री है उन्होंने बताई है कि एक्साइज विभाग जो है अभी जो उन्हें दस्तावेज चाहिए नहीं सौंप रहा है, जिसके चलते उन्हें जो इन कागजों की भी इंतजार है और जांच के लिए अभी और समय मिलेगा चाहिए उन्हें। विज ने उम्मीद जताई है कि एसआईटी जो है अपना बखूबी काम करेगी और जो जो भी दोषी है उन्हें पकड़ेगी और उन्होंने ये भी कहा कि हर जड़ तक पहुंचने का पूरा जो है यकीन किया जाएगा, पूरा काम किया जाएगा। जी राकेश जी, देखिए इस मामले में जो है गृह मंत्री लगातार कहते आए हैं कि वो मामले की गहनता से जांच करवाएंगे और आबकार विभाग की ओर से भी जो है कोई कागजात नहीं मिले हैं, तो अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं मामले में हेरफेर नजर आ रहा है। नहीं देखिए, हेरफेर है, घोटाले का नाम ही हेरफेर है, घोटाला हुआ है तो वहाँ हेरफेर हुआ हुआ है, इसीलिए घोटाला जो है उसने जो घोटाला घटा है और एक्साइज क्योंकि जो दस्तावेज है इमीडिएट आप जानते हैं कि कई दफा अवेलेबल नहीं होते हैं, समय उन्होंने कुछ मांगा है। हालांकि इस बारे में अनिल विज से साफ तौर पर पूछा गया था कि क्या एक्साइज विभाग जो है मना कर रहा है, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतनी जानकारी टीसी गुप्ता ने दी है कि एक्साइज विभाग से अभी जो है दस्तावेज नहीं मिले हैं, यानी कि कुछ समय कई दफा लगता है कि आप जो उसमें एक्साइज विभाग को जानकारी देनी होगी क्योंकि सरकार एक घोटाले की जांच कर रही है, अगर नहीं होगा तो आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं और ये शराब घोटाले का मामला है जिसमें जांच जो है वो लगातार की जा रही थी और अब इसकी अवधि है 2 महीने बढ़ा।